दोस्तों फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर दोनों पर दिवाली सेल स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों ये सेल चलने वाली है 21 से 25 अक्टूबर तक। तो अगर आपको कोई अच्छा लैपटॉप लेना हो तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो लैपटॉप बताऊँगा वो 50,000 से स्टार्ट होंगे और लगभग 1,15,000 तक वो जाने वाले हैं। तो आप अगर एक हाई लेवल हाई कन्फिग्रेशन वाला लैपटॉप देखने की लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ, अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट लेते हो तो आप SBI का क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और अगर आप कोई अमेज़ॉन से प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो तो एक्सिस बैंक, सिटी बैंक के कार्ड में और यहाँ पर दोस्तों आपको रुपए के सभी कार्ड्स में भी 10% का ऑफ मिल रहा है, तो ये भी आप ज़रूर से इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से लैपटॉप आप 50,000 रुपये से ले सकते हो। यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट लैपटॉप आता है एसर प्रीडेटर हेलियोस 300 कोर i5 8th जनरेशन 8 GB रैम 1 TB हार्ड डिस्क के साथ आता है। 128 GB की SSD मिलती है। विंडोज 10 4 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिलता है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, गेमिंग खेलनी है, अगर आपको पबजी खेलना है तो ये सारे काम आप इसमें आराम से कर सकते हो। हैवी टास्क को ये लैपटॉप आराम से सपोर्ट करता है। इसकी लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। जो भी लैपटॉप मैं बता रहा हूँ सभी की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। अगला जो दोस्तों लैपटॉप आता है अगेन एसर की तरफ से आता है, सॉरी ये तो सेम लैपटॉप है। चलिए बात करते हैं अगले लैपटॉप की। अगर दोस्तों आप एप्पल का मैकबुक लेना चाहते हो तो ये बहुत सही टाइम है। i5 5th जनरेशन के साथ आ रहा है। 8 GB की रैम, 128 GB की SSD। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको एप्पल का मैकबुक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। लॉन्ग लाइफ रहता है दोस्तों, बैटरी बैकअप भी इसका बहुत अच्छा रहता है, तो ये भी आपको अच्छी प्राइस में मिल रहा है, 10,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से परचेस कर सकते हो। बात करते हैं अगले लैपटॉप की। दोस्तों MSI का मॉडर्न 14 दोस्तों बहुत अभी लॉन्च हुआ है, लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ आ रहा है। i5 की 10th जनरेशन आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन अभी इसमें i5 की 10th जनरेशन आ चुकी है। 8 GB की रैम, 512 GB की SSD। तो यहाँ पर ये लैपटॉप आप ले सकते हो। काफ़ी ज़्यादा कूल डिज़ाइन के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है, बेजरलेस डिस्प्ले है। MSI के लैपटॉप आप जानते हो कितने ज़्यादा अच्छे रहते हैं, प्रीमियम लुक है इस लैपटॉप का। लाइट वेट लैपटॉप है, अच्छा बैटरी बैकअप, सिर्फ 1 kg का, 1.19 kg का लैपटॉप है, 14 इंच की डिस्प्ले है। तो ये लैपटॉप आप ले सकते हो, हाईली रिकमेंड करूँगा। मैकबुक की जगह पर आप इसको परचेस कीजिए, इसमें आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बात करते हैं अगले लैपटॉप की। अगर आपको गेमिंग लैपटॉप लेना हो तो i5 का 9th जनरेशन के साथ ले सकते हो। 8 GB की रैम, 512 GB की SSD मिल रही है। विंडोज 10 मिल रहा है। 4 GB का दोस्तों आपको NVIDIA 1050 Ti का ग्राफिक कार्ड इसमें देखने को मिलेगा। 60,000 में ये लैपटॉप भी आप परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। बात करते हैं अगले लैपटॉप की। यहाँ पर दोस्तों आता है आसूस का ROG सीरीज़। आप जानते हो आसूस की ROG सीरीज़ गेमिंग के लिए पॉपुलर है। i5 9th जनरेशन मिलेगा आपको। यहाँ पर 8 GB 1 TB 256 GB की SSD मिलती है। विंडोज 10 मिलेगा। 4 GB का यहाँ भी आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं ग्राफिक कार्ड इसमें हम लोग को कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो NVIDIA GeForce GTX 1650 डेस्कटॉप लेवल का ग्राफिक कार्ड मिल रहा है। तो गेमिंग खेलने में आपका जो एक्सपीरियंस रहने वाला है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है इस लैपटॉप के साथ। और दोस्तों डिस्प्ले का जो रिफ्रेशमेंट रेट है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है इस लैपटॉप में। FPS वगैरह सब अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 60Hz का रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो गेमिंग के लिए ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा अच्छा है। बात करते हैं अगले लैपटॉप की। यहाँ पर दोस्तों अगेन MSI की तरफ से आता है। अगर आपको i7 का प्रोसेसर चाहिए तो यहाँ पर आप 9th जनरेशन मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ 67,990 में। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील है, आपको 15,000 का साफ डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 4 GB का दोस्तों यहाँ पर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल रहा है 1650 वाला। तो ये भी लैपटॉप आप ले सकते हो। बात करते हैं अगले लैपटॉप की। अगर आपका बजट दोस्तों 90,000 तक है तो आप ये आसूस का ZenBook ले सकते हो, जहाँ पर आप देख सकते हो लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और आपको यहाँ पर कीबोर्ड के ऊपर भी ये डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। तो और भी इमेजेस में आप इसको अच्छे से देख सकते हो और इसकी यूट्यूब पर ऑलरेडी वीडियोज़ दी हुई हैं, तो किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लैपटॉप है, ये भी आप परचेस कर सकते हो। बात करते हैं अगले लैपटॉप की। यहां पर आता है एसर का प्रीडेटर हेलियोस 300। i7 9th जनरेशन का प्रोसेसर मिलेगा। 16 GB की रैम मिलती है। 1 TB की हार्ड डिस्क, 256 GB की SSD, 6 GB का ग्राफिक कार्ड मिल रहा है। तो अगेन हेवी गेमिंग के लिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और आप देख सकते हो 1660 Ti का ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, बहुत अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस रहेगा, कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं अगले लैपटॉप की। अगर आपको बिजनेसमैन है, आप बिजनेसमैन हो तो आप एप्पल का मैकबुक एयर ले सकते हो। लाइट वेट लैपटॉप है,
थिन लैपटॉप है ये काफ़ी ज़्यादा। 13.3 इंच की डिस्प्ले मिलती है i5 8th जनरेशन के साथ, 8 GB RAM, 256 GB SSD, 1.25 kg का वेट है, लगभग आपको 1,03,000 के आसपास ये अभी मिल रहा है। बात करते हैं हमारे लास्ट लैपटॉप की, याद है MSI के प्रेस्टिज की तरफ से, यहाँ पर दोस्तों आपको कोर i7 का लेटेस्ट जनरेशन वाला प्रोसेसर 10th जनरेशन के साथ मिलता है, 16 GB की रैम, 1 TB की दोस्तों यहाँ पर SSD मिलती है, हार्ड डिस्क का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, विंडोज़ 10 मिलता है, 4 GB का ग्राफिक कार्ड मिलता है, लाइट वेट लैपटॉप है, अच्छा बैटरी बैकअप है, हर तरीके के आप इसमें हैवी काम कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपकी हेल्प जरूर कर दूंगा। थैंक यू।